हाय गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है शॉर्ट सेलिंग की। शॉर्ट सेलिंग कैसे की जाए, तो मैंने एक ही शेयर उठा लिया है, तो मैंने इसका जो चार्ट है वो खोल दिए। अब हम इसे टेक्निकली देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे शॉर्ट सेलिंग की जाती है। अब लेट्स सपोज हम इस जगह पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे जब हम आए हैं तो अब मैं जरा आपको यहाँ पे मेंशन करके दूंगा कि किस तरह से हमें ये आइडिया हुआ है कि हमें शॉर्ट सेल कर देना चाहिए। इस लेवल पे देखें, आरएसआई जो इसकी थी उसने 70 के लेवल को क्रॉस नहीं किया। इसका मतलब क्या था कि अप ट्रेंड हमारे पास वीक है। देन हमारे पास यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन मिली, आरएसआई ने हमारे पास 70-80 के लेवल को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन मिली। देन हमारे पास दोबारा यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली। इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड जो हमारे पास है वो बहुत ही वीक हो गया है। अब एक और चीज यहाँ पे एक जो देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक डबल टॉप बना था। यहाँ पे ये जो डबल टॉप बना है, ये डबल टॉप हमें सजेस्ट कर रहा है कि अब हमें शेयर को यहाँ पे शॉर्ट कर देना चाहिए, शॉर्ट सेलिंग कर देनी चाहिए। अब हम शॉर्ट सेलिंग कैसे करेंगे, किस वक्त पे करेंगे, वो हमें टेक्निकली हमें बता दिया है। टेक्निकली हमें ये जो हमारे पास तीन टॉप बने हैं, पहले इसने बता दिया कि अप ट्रेंड हमारे पास जो है वो वीक है। देन हमारे पास इसने बता दिया कि आरएसआई जो है वो 70 को क्रॉस नहीं कर सकी, यहाँ पे अप ट्रेंड वीक पड़ गया। और देन यहाँ पे भी हमें आरएसआई ने बता दिया कि अप ट्रेंड वीक पड़ गया और अब हमें क्या कर लेना चाहिए, शेयर को शॉर्ट सेल कर देना चाहिए या उसे शॉर्ट कर देना चाहिए। मैं जरा इंडिकेटर अब रिमूव करता हूँ, और इंडिकेटर को रिमूव करने के बाद मैं इसे जूम करूंगा, और फिर जूम करके हम देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैंने ये यहाँ पे अब इसे हटा दिया है, तो अब मैं इसे जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम जूम करके जरा इसे देखेंगे कि हमें कहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अब देखें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, और जब यहाँ पे हमारे पास डबल टॉप बना था, ये वाला डबल टॉप बना था हमारे पास, देखें बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर ये डबल टॉप को आप और से देखें, तो ये जो डबल टॉप बना है, इस डबल टॉप ये हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो अप ट्रेंड है वो हमारे पास अब वीक पड़ गया है। तो यहाँ पे रिजेक्शन हमें मिल गई थी, और यहाँ पे भी एक तरह से हमें रिजेक्शन मिल गई थी, और कंफर्मेशन इस हमें हमारे पास ये जो डबल टॉप बना है, इस डबल टॉप ने हमें क्या दे दी थी, कंफर्मेशन दे दी थी। अब ये मैंने यहाँ पे DT लिख दिया, इसका मतलब है कि डबल टॉप हमारे पास बन गए। इस डबल टॉप ने हमें कंफर्मेशन दे दी थी कि अब हमें शेयर से इस शेयर को शॉर्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे जब हमें कंफर्मेशन दी है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस शेयर को शॉर्ट कहाँ पे करना चाहेंगे। अब यहाँ पे जब आया शेयर, तो या तो हम इस लेवल पे, ये जो हमारे पास लेवल है यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, और ये जो लेवल है हमारे पास ये वाला, इसके ऊपर मैं नीचे एक एस लिख देता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। देन जब ये शेयर इस लेवल पे आया है, तो इस लेवल पे भी शेयर को क्या मिली है, रिजेक्शन मिली है, थोड़ा सा ऊपर गया है और फिर डाउन ट्रेंड आया डिविडेंड की वजह से। अब जब दोबारा हमारे पास डाउन ट्रेंड आया है, तो ये शेयर यहाँ से गिर गया यहाँ तक। अब हमें एक चीज जो याद करने वाली है, हमें नोटिस में लानी है, वो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि टेक्निकली तौर पे इस शेयर की जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो हमारे पास 38 पे बन रही है। तो इस चीज को हम लोगों ने ध्यान में रखना है। तो जो भी आप शेयर देख रहे होंगे, तो ऐसे फैक्ट्स होंगे, कुछ टेक्निकल्स होंगे जो कि आप लोगों के ज़हन में जरूर आएंगे और आपने उन्हें फॉलो करना होगा। तो अभी ये एक और चीज मेरे ज़हन में आ गई है कि इसकी जो सपोर्ट है वो 38 पे है, और करंटली ये मूव कर रहा है हमारे पास 40 पे। ये हर बार अपना जो हाई है, जो अपना जो लो है वो ब्रेक करता जा रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे इसने लो ब्रेक किया, देन यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये तकरीबन, और देन इसने यहाँ पे लो ब्रेक किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक किया, देन अब ये शेयर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उम्मीद है कि अपना लो ब्रेक करेगा। तो हमने यहाँ पे इस शेयर को शार्ट कर दिया था, और अब हम बाय कहाँ करेंगे, 38 के लेवल पे, जो कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। उसके लेवल पे जब ये शेयर जाएगा, तो तब हम जाके बाइंग करेंगे। तो 38 का लेवल हमारे पास बाइंग लेवल बन गया, और ये जो लेवल था हमारे पास 46, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 46। तो 46 पे हमने क्या किया था, शार्ट कर दिया था शेयर को। शार्ट मैं इसे डबल एस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही बेहतर से समझ आ सके। तो यहाँ पे हमने एक शार्ट सेलिंग कर दी थी 46 पे, और देन 38 पे हम लोगों ने क्या कर ली थी, एक बाइंग बना ली थी। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आ गया है शॉर्ट सेल का। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मेरे जेन में आ रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जरा इसे शेयर कर दिया जाए।
तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।